प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देशवासियों से रूबरू हुए। इस दौरान पीएम मोदी ने संबोधित करते हुए कहा कि देशवासियों से मैं क्षमा मांगता हूं क्योंकि कुछ ऐसे फैसले लेने पड़े जिनसे कि देशवासियों को तकलीफ उठानी पड़ रही है। पीएम मोदी ने गरीबों से विशेषकर क्षमा मांगी। उन्होंने देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि कुछ फैसले की वजह से आपकी जिंदगी में परेशानी आई है, गरीबों को खासतौर पर दिक्कत हुई है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि मुझे मालूम है कि आप में से कुछ हमसे नाराज भी हैं, लेकिन कोरोना से लड़ने के लिए कदम उठाना बेहद आवश्यक था। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना वायरस जो है उसने इंसान को मारने की जिद ले बैठी है, इसलिए लॉकडाउन आपको बचाने के लिए ही लगाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे ये भी कहा कि कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे हमारे जो फ्रंटलाइन सोल्जर्स हैं उनसे आज हमें प्रेरणा लेने की जरूरत है और डॉक्टर्स, नर्स, मेडिकल स्टाफ से हमें सीखने की यहां पर आवश्यकता है। गौरतलब है कि 24 मार्च को रात 8 बजे देश के नाम संबोधन के बाद में पीएम मोदी ने 25 मार्च की आधी रात से देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा कर दी। उसी लॉकडाउन का आज पांचवा दिन है।